कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NSTAT का जो एग्जाम पिछले कल यानी 26 नवंबर को हुआ है उसका हम रिव्यू करने वाले हैं, है ना, कि पेपर का लेवल कैसा था, वो टफ था, मॉडरेट था या इजी था, नंबर वन। नंबर टू, 24 में जो NSTAT का एग्जाम होना है उसका बैच हमने लॉन्च कर दिया है, ओके, तो उसको कैसे ज्वाइन करना है, वहां पे कैसे क्लासेस होंगी और कैसा आपको कंटेंट वहां पे मिलने वाला है, ये सब कुछ गाइस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बट इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल हमारा एग्जाम हुआ है, है ना, जो कल हमारा एग्जाम हुआ है NSTAT का, उसका रिव्यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हमारे ही स्टूडेंट्स थे राणा एजुकेशन के, उनसे मैंने पूछा कि एग्जाम का लेवल क्या था। अभी मेरे पास पेपर नहीं आया है, जब पेपर आ जाएगा तो हम एक और रिव्यू वीडियो बनाएंगे, है ना। तो एज यूजुअल गाइस, जो पेपर टू था वो हार्ड पेपर था, है ना, और हमेशा ऐसे ही होता है, जो आपका पेपर टू है वो हमेशा हार्ड रहता है, जो पेपर वन है वो मॉडरेट रहता है, और जो पेपर थ्री है गाइस वो आपका वी कैन से एवरेज रहता है। आप यहाँ पे देखें बच्चों के जो कमेंट्स आए हैं, पेपर वन मॉडरेट, पेपर टू हार्ड, देन एक और बच्चे का कमेंट है पेपर वन मॉडरेट, पेपर टू हार्ड, पेपर थ्री हार्ड, पेपर वन ईजी, पेपर टू मॉडरेट, पेपर थ्री हार्ड, है ना। एंड उसके बाद बहुत से बच्चों ने भी लिखा है कि पेपर टू, आई गेस पेपर टू इज द एलिमिनेशन पेपर, ओके। आप सबको पता है नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इसमें रहता है, आपको आपको तीनों पेपर क्वालिफाई करने होते हैं, उसके बाद आपको 200 मार्क्स लेके इसमें आने होते हैं। तो गाइज ये हमारा कुछ बच्चों का जो रिव्यू था वो मैंने आपको दिखा दिया, और एज यूजल ये जो रिव्यू है ये हर साल ऐसा ही रहता है। पेपर टू जो है इन तीनों पेपर में सबसे टिपिकल पेपर हम कह सकते हैं, और ये एलिमिनेशन का काम करता है। बहुत से बच्चे जो हैं वो हर साल पेपर टू की वजह से एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ओके। ये तो रहा पेपर का रिव्यू। अब हम बात करते हैं जो हमारा कोर्स है राणा एजुकेशन में, जिसमें कि हमने लाइव क्लासेस 2023 में हमने दो बैच निकाले गाइस। पहला बैच हमने जैन फेब में निकाला था, एक्चुअली तीन बैच निकाले हमने। पहला बैच हमारा जैन फेब में हुआ था, सेकेंड बैच हमारा अप्रैल मई में हुआ था, जो थर्ड बैच हमने अभी अभी खत्म किया है इस एग्जाम से पहले। वैसे ही हम गाइस 24 के लिए भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, और ये बैच जो है, जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। आप देख सकते हैं गाइस इस कोर्स की जो वैलिडिटी है, आप यहाँ पे देखें, है ना, कोर्स की जो वैलिडिटी है गाइस वो एक्चुअली मल्टीपल वैलिडिटी है ना। आप इसको 2 मंथ्स के लिए भी परचेज कर सकते हो और आप इसको 6 मंथ्स के लिए भी परचेज कर सकते हो। लेट मी टेल यू वेरी सिंपल थिंग गाइस, बहुत से बच्चों ने एग्जाम दिया होगा इस बार, और अभी अगर मैं आज की बात करूं तो बहुत से बच्चों को पता होगा कि उनका एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है कि नहीं होने वाला है। बहुत से बच्चों ने फर्स्ट टाइम दिया होगा, कुछ ने सेकंड टाइम दिया होगा, कुछ ने थर्ड, कुछ का थर्ड अटेम्प्ट होगा। तो आपको एग्जाम का जो टफनेस लेवल है वो आपको मालूम पड़ चुका होगा, है ना। और हर साल बच्चे यही गलती करते हैं कि वो अपनी जो स्टडी है उसको जल्दी शुरू नहीं करते हैं, ओके, वो लास्ट का वेट करते रहते हैं कि नोटिफिकेशन आएगी और फिर हम एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे और लास्ट के मंथ में हम इसको पढ़ेंगे और एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। इतना भी इजी एग्जाम नहीं है कि आप लास्ट के एक मंथ में पढ़ के इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लो, है ना। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा, वो सभी बच्चे जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है ना, और जिनको ये पता है कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया है, हम इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और वो नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, तो उनके लिए मेरी एडवाइस है कि वो अभी से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें। आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए, कोर्स का नाम है कंप्लीट कोर्स ऑफ NSTAT एडवांस, है ना। इस कोर्स का जो प्राइस है गाइस वो एक्चुअली 5000 है, लेकिन अभी डिस्काउंट चला हुआ है 500 का। तो अभी आपको ये कोर्स पढ़ने वाला है 4499, और इसकी वैलिडिटी, आई एम रिपीटिंग, इसकी वैलिडिटी वैसे 6 मंथ्स है, लेकिन अगर आपका एग्जाम 6 मंथ्स के बाद होता है, फॉर एग्जाम्पल आप अभी इस कोर्स को परचेज करते हो, है ना, और 6 मंथ्स तक आप इस कोर्स में बने रहेंगे, लेकिन उस 6 मंथ्स में आपका एग्जाम नहीं होता है, सेवंथ मंथ में होता है या 8th मंथ में होता है, तो आपकी जो वैलिडिटी है उस टाइम पे उस 2024 के एग्जाम डेट तक यू नो बढ़ा दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, ओके।
अब मैं आपको बता दूं इस कोर्स में गाइस कंटेंट अगर आपको मैं दिखा दूं, वैसे बहुत से बच्चों को पता है क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। आप देखें 121 वीडियोस हैं, 148 इसमें फाइल्स हैं और 207 207 इसमें मॉक टेस्ट हैं। आपको ये भी पता है कि आपका एग्जाम अब कंप्यूटर पे होता है, सीवीटी मोड पे होता है, तो जैसा सीवीटी मोड में आप एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देते हैं वैसे ही मॉक टेस्ट गाइज यहाँ पे बनाए हुए हैं, है ना। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा दूं तो यहाँ पे देखें पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री, तीनों पेपर के जितने भी हमारे टॉपिक हैं जो सिलेबस में दे रखे हैं उन टॉपिक को, उन पे वीडियोस बनाए हुए हैं, उन सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, और उसके अलावा जो लाइव क्लासेस हमारे होती हैं वो भी रिकॉर्ड होके आपको यहाँ पे मिल जाती है ना गाइज। इस पूरे कंटेंट पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा। ओके, और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हुआ है कि उसको आपने कैसे ज्वाइन करना है। ऑलराइट, उसके अलावा प्रीवियस ईयर के आपको सारे पेपर मिल जाते हैं यहाँ पे सॉल्व। ओके, मतलब व्हाट आई वांट टू कन्वे दैट अगर आप इस कोर्स को अभी ज्वाइन करते हैं, है ना, और अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें इतना रिकॉर्डेड स्टफ है कि इस रिकॉर्डेड स्टफ को देखने के लिए भी अगर आप रोज का एक घंटा भी लगाते हो, एक 1 आवर या 2 आवर्स इसमें आप डेडिकेट करते हो, इस पूरे कंटेंट को देखने के लिए आपको कम से कम 2 या 3 मंथ्स लगने वाले हैं, है ना। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि इस कोर्स को अभी एनरोल करें, है ना, नोटिफिकेशन का वेट ना करें, आप इस कोर्स को अभी एनरोल करें। जैसे ही 2014 में 2024 में इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी, चाहे वो मार्च में हो, अप्रैल में हो या जून में हो, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हम इसका एक लाइव क्लासेस का बैच शुरू करने वाले हैं, है ना। और यूजुअली जो उसकी नोटिफिकेशन आती है वो एग्जाम से 2 महीने पहले आती है। ओके, तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या है कि इसमें पूरा स्टफ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एनएसटैट का कंप्लीट स्टफ आपको इसमें इन द रिकॉर्डेड फॉर्म वीडियोज एंड मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। आप इस कोर्स में एनरोल करिए। ओके, अपनी स्टडी की शुरुआत करिए और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी गाइज हम इसमें लाइव क्लासेस का एक बैच निकालेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं, आप जब इसमें पढ़ना शुरू करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज को देखना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत सारे डाउट्स बनते जाएंगे, उन डॉट्स को लिखते रहिएगा। जैसे ही हमारी लाइव क्लासेस शुरू होंगी आप उन डॉट्स को उन लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। ओके, ये कोर्स मेरी ऐप में अवेलेबल है। इस कोर्स को कैसे, इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इस कोर्स को कैसे एनरोल करना है, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, इसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा। ओके, वहां जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, है ना। इस ऐप को आप अपने लैपटॉप पे खोल सकते हैं, अपने सेल फोन पे खोल सकते हैं। ऑलराइट, आप जब इसमें ज्वाइन नाउ या बाय नाउ करेंगे तो आपको वहां पे 2-3 ऑप्शन आएंगी। 2 मंथ्स की अगर आप लेंगे उसका प्राइस आपका 3000 है और 6 मंथ्स का जो प्राइस है वो आपका 4499 है, जो कि बहुत जल्दी फिर से 5000 हो जाएगा। तो डोंट वेस्ट टाइम एंड डोंट बी डीमोटिवेटेड कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है। लीव इट, अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, इस कोर्स में अपने आपको एनरोल करिए, है ना। और हम बहुत सारे इसमें स्टफ ऑलरेडी अवेलेबल है और हम इसमें लाइव बैच भी निकालने वाले हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। इन केस आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिवर्ट, है ना। और जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिखाया, ओके, ये हमारा एक एनएसटेट एस्पिरेंट्स करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। ओके, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको वहां पे डेली नोटिफिकेशन या जो एग्जाम से रिलेटेड हमारी कम्युनिकेशन है वो उस ग्रुप पे होती रहेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें जिनको आप जानते हैं, जिनको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड डोंट बी डिसहार्टेंड डीमोटिवेटेड। नेक्स्ट टाइम आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। थैंक यू सो मच। We'll be right back.